जय हो भोलेनाथ की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं बनारस में हूँ और मैं सुबह सुबह बस निकल गया हूँ टहलने के लिए घाट के लिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सुबह मॉर्निंग में जाऊँ वहाँ पर घाट पे, और उससे पहले सोचा मैंने एक बार चारों तरफ घूम लिया जाए, सुबह की मॉर्निंग की जो वाइब्स होती है बनारस की देखा जाए। अब जैसे आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि आज ट्यूसडे है। सबसे ज़्यादा भीड़ जो होती है नॉर्मली वो सैटरडे संडे मंडे को बहुत भीड़ होती है, भगवान शिव के यहाँ का दिन रहता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बनारस में है ना, सुबह घूमने का मज़ा ही कुछ और है। बनारस की गलियाँ और यहाँ के सुबह के जो नाश्ते होते हैं बहुत बड़े लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार निकला जाए एक बार होटल से और घूमा जाए कैसा लगता है बनारस। वैसे मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन मुझे ये था कि इतनी अर्ली मॉर्निंग देखा जाए कितना कैसा रहता है माहौल। और देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये दुकानें राज रंग की और अभी स्ट्रीट शॉप लगना शुरू हुई धीरे धीरे, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी और दुकानें बढ़ती जाएंगी लगातार। अभी तो यहाँ पर रिक्शे वाले भी इतने नहीं हैं, और थोड़ा पहले आते तो रिक्शे वाले भी दिख जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर क्या है ना, रिक्शे वाले को इतना फिर एंट्री नहीं देते हैं लोग, पुलिस वाले रास्ता बंद कर देते हैं। बनारस की मिठाइयों की तो बात ही अलग है, मतलब मैंने कल शाम को भी ट्राई किया, बनारस की मिठाई बहुत ही लाजवाब है। एक अलग ही सुकून सा है, अलग ही शांति सी मिलती है यहाँ पर। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई आपके साथ हो, आप अकेले भी घूम सकते हैं। और यहाँ की जो चाय है स्ट्रीट में, आप कहीं बैठ के चाय पीजिए उसका मज़ा ही अलग है। या फिर यहाँ कचौड़ी का नाश्ता कीजिए, कचौड़ी कचौड़ी नहीं बोलेंगे, बेड़ी टाइप की जो होती है, पूरी पूरी सब्जी बोलेंगे, पूरी भाजी बहुत टेस्टी रहती है। और जैसे हम मंदिर के पास पहुँचेंगे तो क्या रहता है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए सुबह सुबह, एक अलग ही एनर्जी है मतलब। और है ना यहाँ पे जो स्ट्रीट पे घूमने का मज़ा कुछ और है, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको सोचें, बस अपना टहलते जाइए, एक अलग ही शांति मिलती है और अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे भीड़ भी रहती है तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल अपने मथुरा की याद दिलाता है, जैसे मैं मथुरा में घूमूँ सुबह सुबह बहुत मज़ा आता है और अलग ही एक मतलब सुकून सा मिलता है। वैसे सेम यहाँ पर भी है, तो क्या बेच रहे हैं लोग। पेट पूछते हैं कितने कितने प्रसाद में, तो प्रसाद चाहिए, प्रसाद के ले लेता हूँ मैं कुछ। यहाँ पर नॉर्मली 50 रुपये 20 रुपये खूब मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। आम पापड़ मैंने पर प्रसाद ले लिया, मैं जा रहा हूँ आगे अपना मंदिर और अभी निकल रहा हूँ घाट के लिए। आज मैंने सोचा कि पैदल पूरा मैं घाट घूमूंगा सुबह का। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा आज घुमाऊंगा बनारस। नो रो रे
ये सबसे अच्छा तरीका है। अब अब आदमी को है ना हर जगह थूकने की आदत होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं थूकेगा। सबने किया है कुछ ना कुछ, तो सबको थोड़ा सरकार करेगी, पता नहीं किया होगा कैसे। और क्या है ना, मतलब कि जैसे आप घूमेंगे बनारस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे खाने पीने के लिए। हाँ ये है कि मंदिर के पास एक सारे ऑप्शन नहीं रहते, वो नॉर्मल कॉमन ही रहते हैं, कॉमन टाइप के। तो आपको फूड जो रहते हैं खाने को मिल जाएंगे नाश्ते के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो फेमस है जैसे कचौड़ी हो गई, पूरी भाजी हो गई फेमस है। लेकिन एक अलग ही वाइब है यहाँ पर घूमने का, मतलब अच्छा लगता है। थोड़ा भीड़ भाड़ का शोर मतलब परेशान नहीं करता। हाँ ये है अभी तो नहीं जाना है वैसा, सुबह जाना है। हाँ कल सुबह वहाँ पे भी डॉल्फिन रेस्ट हुआ था ऋषिकेश में भी, ऐसी किनारे पे। अभी नहीं जाना, अभी नहीं, सुबह जाओगे। सुबह संध्या के टाइम पे 6 बजे। अरे सुबह गंगा आती भी होता है सिंह घाट पे। हाँ गंगा आती भी देख लीजिए। कितने बजे आपको सुबह आना पड़ेगा? 5 बजे। 5 बजे आ जाएंगे? अरे 5 बजे गंगा आती चालू होता है। कहाँ पे? ये ऊपर तक ये। तो फिर लोग तो पानी घर में जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, सब जगह डूब जाएगा। तो फिर कैसे आते हैं फिर जब पानी? नहीं नहीं लास्ट टाइम तो पानी यहाँ तक आया था ना। नहीं सर ऊपर मैंने तक जाता है फिर। अरे बाप रे बाप, ऊपर तक? तो फिर लोग आते नहीं होंगे? नहीं तो नाव बंद हो जाता, सब बंद हो जाता है ना, नाव पूरा इधर अंदर चले जाता है। फिर ये घाट पे इधर करेंगे सर। ये मोटर वाली नाव अच्छी रहेगी कि हाथ वाली अच्छी रहेगी? मोटर वाली से सही है, नहीं तो हाथ वाली कहीं 80 जाना है तो फिर आपको सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा? तो 4 बजे आएंगे, नहीं तो हाथ से जाएंगे, मेहनत लगेगा। अच्छा कितना टाइम लगेगा उसमें? इसमें मान लीजिए 2 घंटा लग जाएगा, 2-2.5 घंटे जाने आने में। नहीं और आगे तक जाएंगे तो मन किनका घट तक जाएंगे। हाँ पूरा पूरा 2-2.5 घंटे। क्या बोल रहे?
पूरा घाट घूमना है कि आपको 80 घाट फोन करें? यही नंबर है ना? कितने घाट? सब सारे घाट घूम, 84 घाट में। हाँ 84 घाट, 2500 लगेगा। अच्छा अब इसमें 2 घंटा लग सकता है। सुबह मतलब आप बोल रहे हैं आप आरती भी होगी? आरती भी सुबह आरती होता है, 5 बजे आइए आप। 5 बजे पहले आएंगे तो कहाँ से, इधर पहले आगे बैठे रहेंगे, सीट मिल जाएगा आपको पहले। अच्छा शाम को 5 बजे? सुबह 5 बजे? सुबह 80 घाट पे, शाम को तो इधर होता है 10-11 घाट पे। तो यहाँ की क्या व्यवस्था रहती है? सब लोग नाव से भी दिखता है, घाट से भी दिखता है। तो नाव पहले बुक करनी पड़ती पहले से? हाँ, नाव से 80 घाट घूमते मनीकन क्या घाट घूमूंगा, आरती देखते हैं। अच्छा सुबह में सर आपका शांति से आप देखेंगे, मतलब ज्यादा सुबह में इतना भीड़ नहीं रहेगा, शाम को नहीं रहता, क्राउड भी नहीं रहता, थोड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम में बहुत ज्यादा। चलो 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 तुम भी लेवेगा, ले लो 50 की 12 दे रहा हूँ ना, ले लिया।
बेटा जल गया ना पे जाने भाई घर घूमने जाने।